टेम्पल बनाने के लिए मौका देना दिया जाए सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. श्री गुरुजीत औजला जी अपनी बात कहिए प्लीज. मेरा सभी माननीय सदस्यों से दो मिनट में स्पीकर साहब जल्दी. जी 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 प्लीज. थैंक यू स्पीकर साहब. मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर सिंधिया साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अमृतसर एयरपोर्ट जो है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो 1930 का बना हुआ एयरपोर्ट है 1947 से पहले, और उसके बाद 1960 में पहली काबुल के साथ पहली फ्लाइट यहां से शुरू हुई थी. 1977 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया था. 1982 में अमृतसर टू बर्मिंगम पहली फ्लाइट शुरू हुई थी सर, वो इंडिया की सक्सेसफुल फ्लाइट थी नंबर वन. लेकिन उसके बाद हालात खराब हो गए, 84 में फ्लाइट सारी बंद हो गई. लेकिन 2000 के बाद फिर फ्लाइट शुरू हुई तो वहां से एयर इंडिया और जेट एयरवेज ने उज्बेकिस्तान एयरलाइन तुर्कमेनिस्तान एयरलाइन सब फ्लाइटें शुरू हुई, और सबसे सक्सेसफुल फ्लाइट्स वहां से जाती थी टोरंटो को और हीथ्रो लंदन को. लेकिन सर जब 2010 में जीएमआर ने नया एयरपोर्ट दिल्ली में बनाया तो सारी फ्लाइट कैंसिल करके दिल्ली में ले आए और वहां फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई. लेकिन जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है पंजाबी लंदन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा में रहते हैं. लेकिन सर उसके बाद फिर 2010 के बाद धीरे धीरे एक एक दो दो फ्लाइट करके आना चलना शुरू हुई. लेकिन उसके बाद 2017 के बाद जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना सर, मैं हरदीपपुरी जी का भी आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने बर्मिंगम की फ्लाइट बढ़ाई, हीथ्रो की फ्लाइट दी, एयर एशिया चलवाई वहां से मलिंदो स्कूट, और अभी हीथ्रो की फ्लाइट लास्ट उन्होंने शुरू कराई है. स्टैंडस्टर्ड की फ्लाइट भी जहां एक ओमकार था टेल के ऊपर वो भी पुरी साहब को रिक्वेस्ट की थी उन्होंने शुरू कराई, उनका भी आभार है. लेकिन सर कोरोना के बाद ये फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई. अब फ्लाइट फिर शुरू करने की मैं आपको विनती करता हूं. और उसके साथ सर बहुत फ्लाइट यहां आनी चाहती. दिक्कत क्या है सर, अपनी बायलैटरल इश्यू है जो साइन होते हैं उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है. कतर यहां आना चाहती है, इटली की फ्लाइट वहां आना चाहती है, फ्लाइट दुबई आना चाहती है, लेकिन एमिरेट्स आना चाहती है, कतर अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जब बायलैटरल इश्यू आते हैं तो वो नहीं बढ़ा पाते सर. सर मैं मंत्री साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक तो पॉइंट ऑफ कॉल दीजिए. अब एयर कनाडा ने बयान दिया है वहां पार्लियामेंट में कि एयर कनाडा अमृतसर जाना चाहता है. लेकिन जो मंत्री साहब रिक्वेस्ट है आपसे, मिनिस्टर साहब, एयर कनाडा अमृतसर आना चाहता है सर, काइंडली पॉइंट ऑफ कॉल दे दीजिए अमृतसर को. अमृतसर एक ऐसी धरती है जहां हरमंदिर साहब लोग नतमस्तक होना चाहते हैं. अभी गडकरी साहब बोल के गए थे इतना पैसा आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर पे लगाया है, तो कृपा करके वहां जब फ्लाइट बढ़ेंगी तो उसके साथ बहुत लोग एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. कोरोना की वजह से हमारी बॉर्डर स्टेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सर, पंजाब बॉर्डर स्टेट है सर, हम टूरिज्म के ऊपर आधारित है सर. आप भी जाते हैं हरमंदिर साहब, आपको पता है. मैं आपकी दरखास्त करना चाहता हूँ सर, वहां फ्लाइट का बढ़ाना बहुत जरूरी है. मैं बेनती करना चाहता हूं सर, जो एयरफोर्स की जमीन है एयरपोर्ट के ऊपर सर, वो जमीन एयरपोर्ट को ट्रांसफर की जाए, एयरफोर्स को वहां से दूसरी जगह जमीन दी जाए. उसकी वजह से हमारी पार्किंग नहीं हो रही. उसके अलावा एमआरओ, हम चाहते हैं कि एमआरओ जो है वो अमृतसर में बने, क्योंकि वहां सर 14 टैक्सी स्टैंड बन चुके हैं, 10 और नए बन रहे हैं सर, 24 टैक्सी स्टैंड हो जाएंगे, वहां मेंटेनेंस का भी काम हो सकता है सर. एयर इंडिया की नदेड़ और हजूर साहब की फ्लाइट जो है उसको भी बढ़ाया जाए. और जो सर सबसे बड़ी अब दिक्कत है कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है सर, यहां से अमृतसर का किराया 12,000 रुपया फ्लाइट वसूल कर रही है सर, बहुत ज्यादा किराया है. मेरी बेनती है इसके ऊपर कुछ ना कुछ कैब लगा दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ का किराया भी 15-18,000 रुपया सर. मेरी माननीय मंत्री साहब से बेनती है कि मंत्री साहब इनके ऊपर गौर कीजिए और ये मसले सारे हमारे हल कीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद सभापति जी. मुझे